बालेश्वरी मंदिर चलिए भ्रमण करवा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को और हैप्पी न्यू ईयर। तो ये 2023 का पहला दिन और मस्त उठ के अभी बैठे हुए हैं और इधर आग भी ताप लिए और मुंह धो लिए हैं। अब जा रहे हैं, थोड़ा सब्जी उब्जी बनाएंगे, मम्मी बनाएगी पुआ ढुसका, खाना है और आज इंजॉय करना है। तो सब कोई रेडी हो रहे हैं सब चीज़ के लिए। आर्यन टीवी देख रहा है आज भी। आर्यन हम बोल दिए। आर्यन का पिकनिक कल ही हो गया है। कौन सा पिकनिक आर्यन? झालमुरी का पिकनिक मना के आया है। और अब जा रहे हैं आलू काटने, प्याज काटने। मस्त आलू का सब्जी बनाएंगे, आज हम बनाएंगे आलू का सब्जी। हे एवरीवन, तो आज जा रहे हैं मस्त आलू का सब्जी बनाने के लिए हम, क्योंकि आज सिंपल ही खाना बन रहा है और वो सब्जी हम ही बनाएंगे। मम्मी उसके बाद कुछ पकवान वगैरह बनाएगी। तो देखिए, हम सब्जी पहले हमको सब्जी बनाने से पहले हमको सब चीज़ रेडी चाहिए। तो आलू काट लिए हम, मसाला भी हम पीस लिए और ये प्याज कढ़ाई भी आ गया है। तो अब चलिए बनाते हैं। और आर्यन, अभी मम्मी का सॉरी मौसी का फ़ोन आया था तो मम्मी एक घंटा मेरा फ़ोन से लेके बात कर रही है एकदम, तो ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा सा लेट। मौसी का फ़ोन आया बस इन लोग का एकदम, तो सबके घर में ऐसा ही हाल है, हमको भी पता है। तो चलिए बनाते हैं। आर्यन कहीं नहीं गया है, उसको मन नहीं लग रहा है। तो अभी मेरे भैया जो कजन ब्रदर है उनके घर से फ़ोन आया कि आ जाओ यहाँ पे बन गया है। तो हम बोले ठीक है, सब्जी बना के आते हैं, तब तक आर्यन को भेज देते हैं। आर्यन को मन नहीं लग रहा है तो आर्यन जाएगा, फिर हम सब्जी बना के मस्त जाएंगे सबके घर घूम घूम के। आज खाना है एकदम हमको, तो सब घर थोड़ा थोड़ा खाना है। तो चलिए वीडियो में बने रहे अगर हो। सो मेरा सब्जी बन के तैयार है, धनिया लेने आ गए हैं। धनिया को जड़ से मत उखाड़िए, इसको ऊपर से नोच के लीजिए ताकि फिर वो फिर से नुगुज जाए। तो अरे यार, मेरे तो जड़ ही से उखड़ जा रहा है। तो गाइस, मुर्गी उड़ गई है, खेत में चल गई है। कल का मुर्गा बनने वाला आज ही उड़ रहा है। के देख रहा था टोकरी निकल के उड़ने लगा। अरे आया। बाहर गया, बाहर बाहर। आज पूरा एडवेंचर हो रहा है किंसु का। पकड़ा गया। हे एवरीवन, तो आ गए हैं हम लोग ग्राउंड में 1 जनवरी को बैट उठा करके। पीछे कौन आ रहा है? आर्यन बॉल वाला आया। तो चलिए थोड़ा क्रिकेट खेला जाए बहुत दिन के बाद। ये वाला गिद्धौर वाला ग्राउंड में इधर कस्तूरबा के सामने बॉल तो लेकिन है नहीं, कल ही बॉल खो गया था। क्या हुआ गाइस? अरे
अभी जैकेट वैकेट खोल लिए हैं, कहे कि अभी मारना है ना इसको किंग सू के। कृपया मेरा भी पकड़े, हम भी खोलेंगे। अरे यार तुम्हारा कहे हम पकड़े, प्लीज। अरे पकड़ दे, कोई तो पकड़ दे मेरा। तो देखिए ये मामा जी बैटिंग कर रहे हैं और उधर फेंक रहे हैं गेंदा। देखो ये गया छक्का। अरे फील्डर लग मारे बहुत जोर से, चल गया चौका। इधर सब लोग पूरा मैदान ही मैदान, राम का गाछ। तभी पार्टी चूना हो रहा, तभी आउट हो गए। देख सकते हैं कि एक विकेट गिर गया, चल चुना गया। तो देखिए अभी मामा जी बैटिंग करके निकल गए हैं, मामा जी बैटिंग करके निकल गए। यह मैदान ही मैदान और हम बैठे हुए हैं। हमारे लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ, हमारे लेकिन चार बॉल में ही आउट हो गए। एक ओवर हमको खेलने के लिए दिया था लेकिन हम नहीं खेल पाए। अभी मामा जी खेल रहे थे लेकिन दो ओवर सबको, दो दो ओवर खेलना है तो दो ओवर खेल के मामा जी निकल गए। जिता दिए हैं आर्यन को, 100 रुपया जीता है आर्यन। 100 रुपया जीते। तुम बॉलिंग करो ना, यहाँ आ गया। अभी 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 फैमिली इधर और किन्सी का, किन्सू का एक वीडियो बनाए थे यहीं पे, अभी भी है, डाल देंगे। तो हम लोग जंगल जा रहे हैं कटायर बैर खाने, भाभी लोग चल गई है, दीदी लोग आगे, हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोग तो गाड़ी से जा रहे हैं, आगे खड़ा कर देंगे। अब उन लोग का लोकेशन ट्रेस कर रहा है किन्सु यहाँ से फोन से। ये मामा जी खा रहे हैं, पूरा फला हुआ है लेकिन खट्टा होगा ना, खट्टा है, मीठा है, मीठा है तो पर भी थोड़ा थोड़ा खट्टा लग रहा है। तो गाइस बहुत ही, अरे फंस गया रे बाबा, बहुत ही मुश्किलों में फंसे हुए हैं। अरे बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है कटायर बैर खाने में। चलिए आगे चलते हैं, कहीं और मिलेगा। अभी तक भरपूर मिला नहीं है पर बहुत सारा खा भी लिए हैं। देखिए आर्यन को, आर्यन तो कायन, आर्यन नहीं खाएगा। कोई कोई बहुत बढ़िया मीठा लगता है एकदम, सबसे ज्यादा किन्सू खाया है। देखिए इसका मुंह अभी भी भरल है पूरा, रंजे के आसपास में है। देखा तो तरफ करने जा रही है, जंगलों में कैसे पता चले करने जा रही है। आपको दिखाते हैं कुछ, ये देखिए ये पत्थर यहाँ पे ज़्यादा चमक रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग कुल्हाड़ी लाता है उसको यहाँ पे लोग बजाता है ऐसे ऐसे करके, इसीलिए इन लोग आगे चल गया है। चलिए, अरे हम लोग वापस आ गए हैं, वापस वही जगह पे घूमते घूमते हमको पता ही नहीं चल रहा है कैसे कैसे कने कने पहुँच गए। ये नहीं है, भाभी लोग भी आई है। तो एवरीवन, तो हम लोग आ गए पहाड़ पे
और चढ़ते चढ़ते थक गए, अभी और चढ़ने ऊपर। ये देखिए हम लोग किधर आ गए हैं। बकरी चरा रहा है, देखिए बकरी चराने आया। तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं इधर से चघे और इधर से अब उतर रहे हैं। तो ये देखिए सामने यहाँ पे आपको तालाब दिखेगा, दिखाते हैं। देखिए रेस लगाते हैं, देखो अभी चालू नहीं किया रु भागने लगा, ये तो फिर नहीं, ये गलत, फिर तुम्हारा वीडियो में नहीं रहेगा। तो रेस लगाते हैं हम और किंसु, यहाँ से गाड़ी पास पहुँचना है। 1, 2, 3 अरे बाप रे, विनर। कुलेश्वरी मंदिर चलिए भ्रमण करवा। गिद्धौर का कुलेश्वरी मंदिर, यहाँ पे शादी ब्याह भी होता है, किन्हीं को करवाना हो तो पुजारी का नंबर हम दे देंगे। यहाँ से गेट खोल करके यहाँ भी एक चापाकल है, बहुत पहले बना था और यहाँ पे समझिए कि पशु मेला लगता है शिवरात्रि में, तो उस टाइम यहाँ पे भीड़ देखने लायक भीड़, मतलब है एवरीवन। तो गुड इवनिंग आप सभी को। तो अभी मस्त क्रिकेट खेले, जंगल में पिकनिक मना करके घूम घूम करके आए, और फिर अभी 5 बजे नहा लिए हैं। अभी देखिए मस्त नहा के फ्रेश लग रहा है एकदम, पूरा पसीना पसीना हो गए थे तो अभी नहा लिए हैं और जा रहे हैं, थोड़ा पैर वैर सेकते हैं, आग जल गया है तो पैर वैर सेकते हैं। अभी अंधेरा नहीं हुआ, ये देखिए दरवाजे से दिख रहा होगा, तो जाते हैं थोड़ा। और दोस्त वोस्त से आज मिले नहीं हैं, बस उधर ही खेलते रह गए आज क्रिकेट, तो आज दिन भर क्रिकेट खेले हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरा है और अभी भी बाकी है रात। तो चलिए फिर मिलते हैं अभी, तब तक के लिए। आज जो सब पिकनिक गया था तो डीजे वीजे लेकर के गया था, तो उसमें क्या हुआ कि आज डीजे में कंपटीशन हो रहा था, तो वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रहा था, मतलब आज जो मज़ा आ गया देख करके। हुआ तो नहीं उतना, पर जिसका जिससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया गया था उसका थोड़ा डाउन रह गया, और जिसका एक्सपेक्ट नहीं किए थे उसका बहुत अच्छा बजाया, तो आज मज़ा आ गया। तो देखते हैं, देखते हैं अब सरस्वती पूजा में हम लोग का क्या होगा, कौन सा डीजे बुक होगा, जो बेस्ट बजेगा एकदम, जो एकदम कान फाड़ दे वैसा डीजे हम लोग लाते हैं। तो चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें,
बड़ों का आदर करें, छोटों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिलाएं भी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तब तक के लिए जय हिंद।